लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपायों की जानकारी पशुपालकों को दें, ग्राम सभा बुलाकर भी सूचित करें, गौशालाओं में टीकाकरण हो। उन्होंने कहा इसे पूरी गंभीरता से लें, छिपाए नहीं, सभी को जागरूक करें। उन्होंने कहा यह एक तरीके से पशुओं में कोविड जैसा ही है। यह बीमारी मक्खी मच्छरों आपस में मिलने से, साथ रहने से फैलता है, बचाव जरूरी है। लंपी वायरस को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में कहा कि प्रदेश में संक्रमित पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित करें, जानकारी को छुपाएं नहीं, सभी को जागरूक करें, रोग के प्रमुख लक्षण को पहचानें। संक्रमित पशु को हल्का बुखार रहता है, मुंह से अत्यधिक लार तथा आंखों एवं नाक से पानी बहता है, लिम्फ नोड्स तथा पैरों में सूजन एवं दुग्ध उत्पादन में गिरावट आती है। गर्भित पशुओं में गर्भपात एवं कभी कभी पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु के शरीर पर त्वचा में बड़ी संख्या में 2 से 5 सेंटीमीटर आकार की गठाने बन जाती हैं। इसके लिए रोकथाम जरूरी है। संक्रमित पशुओं के झुंड को स्वस्थ पशुओं के झुंड से अलग रखना चाहिए। कीटनाशक और विषाणुनाशक से पशुओं के परजीवी कीट, किलनी, मक्खी, मच्छर आदि को नष्ट करना चाहिए। पशुओं के आवास बाड़े की साफ सफाई रखना जरूरी है। संक्रमित क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में पशुओं के आवागमन को रोका जाए। रोग के लक्षण दिखाई देने पर अविलंब पशु चिकित्सक से उपचार कराना आवश्यक है। भरोसे में ना रहे कि हमारे यहाँ तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत गंभीरता से इसको लेने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय या बाकी पशुओं की मृत्यु हुई, वो दृश्य हमने देखे, किसी भी कीमत पर हमको उस स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। ये एक तरह से पशुओं का कोविड जैसे ही, क्योंकि कई माध्यमों से ये फैलता है, मक्खी से, मच्छरों से, लार से, आपस में मिलने से, साथ रहने से एक हो या कोई तो फैलने वाली संक्रामक बीमारी है, तो बहुत गंभीर चिंता की जरूरत है। अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताएं, क्या करना जरूरी है वो बताएं, फील्ड के अफसर भी। सीएम शिवराज ने कहा क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप थमने तक पशुओं के बाजार मेले आयोजन तथा पशुओं के क्रय विक्रय आदि पर रोक रहेगी। स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण कराना आवश्यक है। शिवराज सिंह ने कहा 21 तारीख तक प्रभावित पशुओं की संख्या 7686 है और मृत पशुओं की संख्या 101 है। स्वस्थ होने वाले पशुओं की संख्या 5432 है। उन्होंने कहा मैं मानता हूं इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह गाय और बाकी पशुओं की मृत्यु हुई है, वह दृश्य हमने देखे हैं। किसी भी कीमत पर हमें उस स्थिति को पैदा नहीं होने देना है। यह गंभीर चिंता का विषय है, इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जैसे हम कोविड के खिलाफ लड़े थे, वैसे ही पशुओं का जीवन बचाने के लिए हम इस लंपी वायरस से लड़ेंगे। वो सेवक, समाज के बाकी लोग, जनप्रतिनिधि, हम सबको संदर्भ करेंगे कि किसी भी कीमत पर इस बीमारी को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो करना क्या क्या है उसका हम लोग विचार कर लेते हैं। उसके बाद में जनता के नाम भी एक अपील जारी करूंगा कि ये सावधानी रखें, क्योंकि अब 26 जिलों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो अभी आप पहले जो आपको ब्रीफ करना है, दिखाना है, बताना है वो बताइए, फिर फील्ड के अफसर भी अगर चाहे तो ये और करना चाहिए What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।